फाइनली दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ओ माई गॉड 2 से बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार का एक दमदार और शानदार पोस्टर रिवील कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के टीजर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के डाहाट फैन से और उनकी मच अवेटेड फिल्म ओ माई गॉड 2 का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ माई गॉड 2 जो कि 2012 में रिलीज होने वाली ओ माई गॉड का सिक्वल है और इस फिल्म में आपको एक बार फिर से सुपरस्टार अक्षय कुमार प्रभु भोलेनाथ जी के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस बार उनका साथ दिया है परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर आपको यामी गौतम भी नजर आने वाली है। दोस्तों बताते चले आपको कि अमित राय के डायरेक्शन में बनने वाली यह एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें आपको अक्षय कुमार भगवान भोलेनाथ जी के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। और दोस्तों आज उनका जो ये पोस्टर रिवील किया गया है उसमें दोस्तों उनका लुक काफी खूबसूरत और बेहतरीन नजर आ रहा है। दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म 11 अगस्त यानी कि दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज होने वाली इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है जिसका जो सब्जेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को इसी 11 अगस्त को 2.5 से 3,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों आज इस फिल्म के जो दोनों ही पोस्टर रिवील किए गए हैं वो ऑडियंस को खूब पसंद आ रहे हैं। इस फिल्म में दोस्तों आपको अक्षय कुमार जहां भोलेनाथ जी के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं तो वहीं दोस्तों आज एक और पोस्टर रिवील किया गया है जिसमें आपको पंकज त्रिपाठी कांति शरण मुगदल के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। और दोस्तों इस पोस्टर में वो जिस तरह से हाथ जोड़े और टीका लगाए खड़े हैं इससे एक चीज क्लियर हो रही है दोस्तों कि इस फिल्म में हमें आस्था और संस्कृति का एक नॉलेज मिलने वाला है। यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बना सकती है अगर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं। तो इस फिल्म का टीजर हमें जल्द ही दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल के साथ देखने को मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वाईकॉम 18 द्वारा रिलीज की जा रही है। तो वहीं दोस्तों ओ माई गॉड 2 को भी वाईकॉम 18 ने ही प्रोड्यूस किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों ओ माई गॉड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी और क्या आप भी इस फिल्म के टीजर के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।